अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जी तो आज मेरे किचन में बनने जा रही मज़ेदार सी टिंडे और चिकन की सब्ज़ी। इसे बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। चिकन लिया है मैंने आधा किलो, एक टमाटर लिया है बड़े साइज़ का, दो अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, हरी मिर्च लिए हैं 3 अदद, धनिया, यहाँ टिंडे लिए हैं मैंने आधा किलो, इनको मैंने छील के इस तरह से काट लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, नमक, लाल मिर्च पिसी हुई, गरम मसाला पिसा हुआ, हल्दी और काली मिर्च पिसी हुई। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाना बताऊंगी आपको। यहाँ मैं पैन में डालूंगी प्याज, प्याज और टमाटर को चॉप करके डाल दूंगी। और साथ इसमें शामिल कर दूंगी मैं चिकन को। नमक डालूंगी मैं 1 टीस्पून, आधा टीस्पून लाल मिर्च डालूंगी पिसी हुई, आधा टीस्पून हल्दी और साथ ही मैं इसके डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। दो टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सब चीज़ें मसाले डालकर मैं इसको 1 गिलास पानी इसमें शामिल करूंगी और इसको मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। प्याज और टमाटर जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और चिकन भी गल जाए। और यहाँ देखें 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, प्याज भी सॉफ्ट हो गया है और टमाटर भी और चिकन भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल, आधा टीस्पून मैं लाल मिर्च और शामिल करूंगी, मुझे कम लग रही थी इसलिए मैं और शामिल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च डाली है पिसी हुई। ये बहुत ही आसान तरीके से सालन बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है ये सालन, आसान सी, बहुत आसान सी रेसिपी है ये। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी के साथ और मुझे बताइएगा कैसी बनी है। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाला पिसा हुआ, अच्छे से हम इसकी अब भुनाई करेंगे मसाले की। साथ ही मैं डालूंगी अब इसके टिंडे, और मसाला अच्छे से भुन चुका है, टिंडे और चिकन भी अच्छे से भुन चुके हैं, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। मैं इसमें डाल दूंगी अब हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च ली थी मैंने इनको बीच में चॉप करके थोड़ी सी अभी डाली है, थोड़ी सी मैं लास्ट में डालूंगी। और मैं इसमें अब 2 गिलास पानी शामिल करके इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, टिंडे जो हैं वो गल जाएं, चिकन तो पहले ऑलरेडी गल चुकी है, बस टिंडों को हमने गला लेना है। और ये हमारे मज़ेदार सी चिकन टिंडे की जो सब्ज़ी है रेडी है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल में बिल्कुल न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ धनिया,
और आधा टीस्पून मैं गरम मसाला शामिल करूंगी लास्ट में। आधा टीस्पून पहले इस्तेमाल किया था, आधा टीस्पून अभी डाल रही हूँ मैं। तकरीबन एक टीस्पून हमने इसमें शामिल किया है। और ये देखिए मज़ेदार मसाला बिल्कुल रेडी है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार सा सालन तैयार है, चिकन और टिंडे का सालन। आप भी ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी है। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।